गुड मॉर्निंग सर। तो सर, हम जो आपको उस दिन से बताया था ना, मेरा एरिया में ऐसे ऐसे स्टूडेंट थे ना जो बाहर स्टेट में पढ़ के रह रहे हैं, तो वो लोग को आज हम लाए ना तो आपसे मिलवाने के लिए। तो वो लोग आपसे कुछ बोलना चाहता है ना इलेक्शन के बारे में, तो वो लोग आपको मिल रहे हैं, तो वो लोग से बात कीजिए। हाँ हाँ अभी याद आ गया। देखो बेटी और बेटा लोग ना, अब सब तो मेरा बेटी बेटा का समान है, तो हम इस साल इलेक्शन में कैंडिडेट उतरेगा सोच रहे हैं ना, एमएलए में कॉन्टेस्ट करेगा सोच रहे हैं। तो इस साल जैसे भी आप लोगों को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हम इस स्टूडेंट का प्रॉब्लम समझ सकते हैं ना, तो हमको इस बार जैसे भी आप लोग सपोर्ट कीजिए इलेक्शन में। और आप लोग को इलेक्शन के लिए कुछ भी चाहिए तो हमको बोल दो, कुछ चाहिए तो इलेक्शन के लिए, लेकिन प्लीज़ आप लोग अपना वोटिंग को दूसरा को मत देना। तो मेरे लिए आप लोग परमानेंट रहो और जो भी चाहिए डिमांड करो। हाँ सर, आपका बात भी सही है। एक्चुअली सर, हम लोग जो ये जितना भी आपका ये सामने आज खड़ा है ना, तो हम लोग बाहर स्टेट में हम लोग पढ़ाई करके रह रहे हैं ना, हम लोग बड़ा बड़ा डिग्री करके रह रहे हैं। तो सर, हम लोग का वही आपसे बोलना है ना, हम लोग इलेक्शन के लिए दूसरा का जैसे हम लोग पैसा वो सब तो आपसे नहीं मांगेगा। हम लोग का वही एक डिमांड है कि आप इलेक्शन में हम लोग जरूर आपको सपोर्ट करेगा और साथ देगा। तो आप इस इलेक्शन के बाद हम लोग को कभी भूल मत जाना, क्योंकि इलेक्शन का हम लोग को कुछ ना कुछ में कुछ उपाय करके हम लोग को जॉब वो सब दिलवा दीजिए ना। तो वही बोलना था मेरा तो। हाँ सर, अभी भैया जो बोला है ना वो एकदम सही बोला है, क्योंकि एक ऐसा होता है ना जो स्टूडेंट जो स्पेशली पढ़ाई करके रहता है ना, तो वो लोग को तो इलेक्शन में ऐसे ऐसे बोल के ये कर लेता है, अब तक वोटिंग की बात ऐसे होता है तो ना, तो उसके लिए भैया का बात एकदम सही है। तो हम वही सर, हम भी आपसे बोल रहे हैं ना, हम लोग बाहर में पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम लोग को कुछ ना कुछ में दिलवा दीजिए, और इलेक्शन के लिए तो हम लोग साथ देने के लिए तैयार है ना। हम लोग पैसे वैसे हम लोग को नहीं चाहिए, हम लोग को सिर्फ जॉब चाहिए। तो हम लोग को जैसे भी आप इलेक्शन जीतने के हम लोग को दिलवा दीजिए। हाँ सर, एक्चुअली हाँ भैया दोनों जो बोले वो एकदम सही बोले ना, क्योंकि दूसरा तो ऐसा होता है ना इलेक्शन के समय में पैसा वो सब मांगता है, लेकिन हम लोग वो सब वाला वैसे नहीं ना, हम लोग जो सीधा सीधी है जो पढ़ाई करके रहे ना, तो हम लोग सर आपको पैसा भी डिमांड नहीं करेगा। तो आप हम लोग को वही ये चीज़ है कि हम लोग इलेक्शन के बाद हम लोग को जैसे भी कुछ ना कुछ जॉब भी दिलवा दीजिए ना, तो हम लोग का डिग्री भी बड़ा, हम लोग बड़ा डिग्री हम लोग लेके आए, तो आप इलेक्शन के बाद हम लोग को प्लीज़ कुछ ना कुछ उपाय कर दीजिए, और वोटिंग को हम लोग जैसे भी आपको सपोर्ट करेगा इस साल से। हाँ सर, हम लोग का बूथिंग एकदम पक्का है आपको साथ देने के लिए, आप जैसे हम लोग का डिमांड को कर दीजिए ना। हाँ देखो बच्चों, तुम लोग ने जो बोला ना वो एकदम सही बोला, हम भी तुम लोग का बात को एकदम पसंद है ना, तो पढ़ाई करने वाला ऐसे ही होता है ना, सीधा सीधी होता है। तो बच्चा लोग, मेरा तुम सबसे वही बोल देना, तुम लोग कुछ भी हो सबका बार चिंता मत करो ना, मुझे बस इलेक्शन में जिता दो, और इलेक्शन के बाद कुछ ना कुछ मैं हम सबको मैं तुम सबको दिलवा दूंगा। तो इस बार के इलेक्शन में जैसे भी साथ दीजिए, और दूसरों लोग को भी ना, दूसरा दोस्तों को भी ऐसे बोल दो इस बार ऐसे ऐसे साथ दो बोल के इलेक्शन के लिए ना, ये कर दो रही। तो दूसरा कैसे मुझे ये मत समझो, मैं जरूर तुम सबको साथ दूंगा, लेकिन हाँ वोटिंग को अच्छा से ये करो, परमानेंट रहो, दूसरा में मत जाओ ना। हाँ सर, ये सब मेरा जो बच्चा लोग है ना, ये लोग सर बड़ा बड़ा डिग्री कर, कोई कोई ये जो PhD कर रहा है, MPhil कर रहा है, BTech कर रहा है, MCom कर रहा है ना, MCom करके रहे, ये चारों बहुत ही बड़ा बड़ा डिग्री लेकर ये रह रहे हैं ना, तो बार बार स्टेट में रह रहे हैं। सर मेरा भी आपसे वही रिक्वेस्ट है ना, मेरा ये बच्चा लोग को जैसे भी कुछ ना कुछ मैं दिलवा दो, और ये लोग बिल्कुल दूसरा का दूसरा आदमी का जैसे नहीं है ना, जो जैसे परमानेंट नहीं रहने वाला ऐसे तो नहीं ना, ये लोग बहुत सीधा सा दिए, मेरा मेरा ही इलाका का बच्चा लोग है। तो सर आप जैसे भी बोलो का डिमांड को पूरा कर दो इलेक्शन के बाद। हाँ सर, इस बार आप इलेक्शन के बाद जैसे भी हम लोग का ये को डिग्री सर्टिफिकेट को लेके कुछ ना कुछ हम लोग को दिलवा दीजिए। कोई कोई सर ऐसे होता है ना जो सिर्फ अपना समय में इलेक्शन का समय मीठा मीठा बात करके स्टूडेंट लोग को ये कर लेता है ना, अपना तरफ खींच लेता है, लेकिन इलेक्शन हो जाने के बाद नहीं पहचानता है, जैसे एक दिन करने लग जाता है ना, तो देख के भी अनदेखा करने वाला होता है ना। तो हम लोग वो सब चीज़ से हम लोग बहुत नफरत करते हैं, क्योंकि हम लोग स्टूडेंट पढ़ाई करके रहने वाला जो वो सब चीज़ से नफरत करता है ना, जो सीधा सीधा हम लोग भी उसी को साथ देना चाहते हैं ना। तो हम लोग को आप भी जैसे भी साथ दीजिए, क्योंकि हम लोग तो हर साल आप तो सिर्फ इस बार हम लोग का जरूरत वोटिंग का जरूरत नहीं होगा ना, तो हम लोग को तो आप हर बार चाहिए होगा, तो हम लोग भी अपना तरफ से पूरी तरफ से साथ देने के तैयार है। आप हम लोग का डिमांड को आप भी कर दीजिए ना। हाँ सर, तो हम लोग जैसे भी इस बार आपको सपोर्ट देगा ना, सपोर्ट करेगा, तो अपना तरफ से फुल सपोर्ट करेगा, तो जैसे भी हम लोग को याद कीजिए। तो वही हम लोग का रिक्वेस्ट है ना आपसे, हम चारों का रिक्वेस्ट वही है, दूसरा का जैसे हम लोग पैसा वो सब लूप लाच लालच नहीं है ना, हम लोग पैसा वो सब लेने वाला नहीं है, हम लोग को डिग्री ये तो ना, हम लोग को जॉब वो सब का जरूरी है। तो हम लोग को जैसे भी देख दीजिए इलेक्शन मिलने के बाद ना, जीतने के बाद। ठीक है बेटा लोग, एकदम तुम सब ने तो अपना अपना ओपिनियन बहुत अच्छे से दिया है ना, वही है तुम लोग का बड़ा क्वालिफिकेशन का है ना बदौलत, वही है अच्छा समझदार होता है ना। तो तुम सबका बात को सुन के मुझे तो बहुत खुशी हो रहा है ना, क्योंकि समझने वाला बच्चा भी है। और इस बात के लिए चिंता मत करो कि इलेक्शन के बाद कुछ ना कुछ मैं तुम सबको जरूर दिलवाने के लिए कोशिश करूँगा, और हाँ इस बार के इलेक्शन में जैसे भी मुझे जिता दो ना, मैं फुल सपोर्ट करूँगा इलेक्शन के बाद तुम सबको। क्या क्या सर, जरूर सपोर्ट करिए। क्या क्या सर, जरूर हम भी सपोर्ट करेंगे। ठीक है सर, हम लोग जरूर सपोर्ट करेंगे आपको। ठीक है सर, ठीक है, हम लोग जरूर साथ देगा आपको। गुड मॉर्निंग सभी को। तो सर इलेक्शन से पहले जो आप हम लोग को प्रॉमिस किया था ना, तो हम लोग उसी बात का ये हम लोग आए ना आपका साथ, हम अपना अपना डॉक्यूमेंट्स हम लोग लाए।
सर आप जैसे ही हम लोग को कुछ ना कुछ तो इस बार कर देना ही पड़ेगा, क्योंकि आप तो आपका हम लोग इतना सपोर्ट किया है ना, उसके लिए कुछ ना कुछ कर देना पड़ेगा। हाँ सर, जैसे भी आप कुछ ना कुछ कर देना पड़ेगा हम लोग को ना, हम लोग को, क्योंकि हम लोग तो आपको साथ देना तो अभी जीत भी है ना, इसलिए सर हम लोग आज अपना पूरा डॉक्यूमेंट्स लाए तो आपको दिखाने के लिए, कुछ ना कुछ आप कर दीजिए। देखो बच्चा लोग, तुम लोग का बात तो सही है, लेकिन अभी फिलहाल हम तो कुछ नहीं कर सकता। मिल तो गया लेकिन मुझे कुछ समय लगेगा ना, तो मैं अभी कुछ नहीं कर पाऊँगा, तो उसके लिए मुझे खराब मत पाओ। मैं अभी बहुत ही काम में बिजी हूँ, तो मुझे अभी मैं तुम सबका काम को नहीं कर पाऊँगा। सर आप ऐसे बात करने से तो नहीं होगा, क्योंकि हम लोग आपको इतना विश्वास किया ना, आपको होप करके हम लोग वोटिंग गए, तो आप तो हम लोग अभी ऐसे बात मत कीजिए। सर जैसे भी आप तो हम लोग को सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग आपको इतना विश्वास किया ना, नहीं तो हम लोग दूसरा का जैसे करने से कर सकता था। आप अभी ऐसे बात करने से तो सर नहीं, हम लोग बिल्कुल नहीं बने। वही तो ना सर, आप अभी तो ऐसे बात मत करो, क्योंकि हम लोग तो आपसे एक रुपया भी नहीं लिए ना, हम लोग आपको विश्वास करके हम लोग आपको साथ दिए, तो हम लोग स्टूडेंट को इससे धोखा तो मत दो, कुछ ना कुछ आप जल्दी हम लोग कर देना पड़ेगा। और सर याद रखिए, अगला साल भी हम लोग का जरूरी होगा, तो हम लोग अभी इस तरह का बात मत कीजिए, अपना अपना प्रॉमिस को निभा दीजिए। अरे बच्चा लोग, हम कब तुमको प्रॉमिस किया था, ऐसे बात मत करो। तुम लोग मेरा सामने रेस्पेक्ट दो, क्यों ऐसे बात करते हैं? तुम लोग अभी बाहर धक्का मार के निकाल देगा, क्यों ऐसे बात करते तुम लोग? रेस्पेक्ट देना सीखो सबसे पहले। तो मैंने कुछ भी प्रॉमिस नहीं किया था तुम सबको, नहीं तो देखो मेरा बॉडीगार्ड लोग को बाहर निकाल देगा, तुम लोग को यहाँ से बाहर करवा देगा। दूसरा साल साथ में।